हेलो जी, नमस्ते। देसी चूल्हा किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी ब्रेड का हम ऐसा नाश्ता बनाते हैं कि ब्रेड के किनारे हमारे बच जाते हैं, तो आज हम बचे हुए किनारों से बनाएंगे एक हेल्दी नाश्ता। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेड के किनारों को हम छोटे पीस में काट लेंगे इस तरीके से। अब एक कढ़ाई गर्म करके उसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, 1 छोटी चम्मच सरसों या राई डालेंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा, 10 से 15 करी लीव्स डाल देंगे, 2 प्याज बारीक कटी हुई डालेंगे और इसे हमें 1 मिनट तक हल्का गुलाबी होने तक भून लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 बारीक कटी हुई गाजर, इसे हम भून लेंगे 1 मिनट तक। अब इसमें हम डालेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटी हरी मिर्च 3 से 4, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद आधी ग्लास पानी डाल देंगे और ढककर 1-2 मिनट तक पकने देंगे। 1 मिनट बाद सब्जियां हमारी उबलने लगी हैं, तो इसमें हम कटे हुए ब्रेड के पीसेस डाल देंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और इसे हमें 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मिक्स करते हुए भून लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच नींबू का रस और अच्छी तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। तो लीजिए, बचे हुए ब्रेड के किनारों से हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेड उपमा बनके तैयार हो गया है। आप इसे साबुत ब्रेड से भी बना सकते हैं। आप बचे हुए ब्रेड से कौन कौन सी रेसिपी बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।